अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट टू, चैप्टर टू से सीआरपीसी 1898। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका सेक्शन 8। हमने इस अपने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 6 एंड 7 कवर किया था, जो कि 7 जो था वो डिवीजन के बारे में था, टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में। उसको हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 8 से, पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इंटू सब डिवीजन। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इनकी डिवीजन किस तरह होती है। सेक्शन 7 में हमने ये पढ़ा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये पावर होती है कि वो किसी भी प्रोविंस को सेशन डिवीजन्स में डिवाइड करे। देन एक सेशन डिवीजन को हम एक डिस्ट्रिक्ट या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो एक डिस्ट्रिक्ट होता है उनको हम सब डिवीजन में या एक डिस्ट्रिक्ट के किसी भी पोर्शन को हम सब डिवीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये पावर किसकी है? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। यहाँ पे जो मैंने हम वर्ड यूज किया उसका मतलब है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पास ये पावर है कि वो एक प्रोविंस को सेशन डिवीजन में और एक सेशन डिवीजन को एक डिस्ट्रिक्ट या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में और एक डिस्ट्रिक्ट को इंटू सब डिवीजन या उसके किसी पोर्शन को, उसको यानी डिस्ट्रिक्ट के किसी पोर्शन को एक सब डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना सेक्शन 9। उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 9 की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। पहले हम इसके 2 पार्ट्स कवर करते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेल स्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन एंड अपॉइंट अ जज। ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर है कि जो है एक एस्टेब्लिश करे कोर्ट ऑफ सेशन, और हर एक जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसके लिए एक सेशन जज को अपॉइंट करना। इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपने स्पेशल ऑर्डर या एक जनरल ऑर्डर के जरिए इन ऑफिशियल गजट बताएंगे, डायरेक्ट करेंगे कि जो कोर्ट ऑफ सेशन की प्लेस होगी सिटिंग की, उसके हवाले से। इसके बाद हम इसका जो पार्ट 3 है वो पढ़ते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन वन और मोर सच कोर्ट्स। यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिसाइड्स द यानी कि सेशन जज, किसी भी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं फॉर टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन एक या एक से ज्यादा कोर्ट्स में एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जो कि अ सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन, यानी कि एक जो सेशन जज होता है वो किसी भी एक सेशन डिवीजन का वो अपॉइंट हो सकता है किसी और सेशन डिवीजन के लिए एज अ एडिशनल सेशन जज। ठीक है, ये भी पावर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि वो किसी एक जो है सेशन जज को किसी और डिवीजन के लिए एडिशनल सेशन जज अपॉइंट करे। इसके बाद हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि कुछ इस तरह से कि ऑल कोर्ट्स ऑफ सेशन एग्जिस्टिंग, यानी कि जितनी भी हमारे पास सेशन कोर्ट्स एग्जिस्टिंग थी इस कोड के आने से पहले, उनको ऐसे डीम किया जाएगा, ऐसे समझा जाएगा, ऐसे तस्वर किया जाएगा कि जैसे कि वो कोर्ट्स इस कोड के आने के बाद इस्टेब्लिश हुई है। उम्मीद है कि आपको सेक्शन 8 और सेक्शन 9 अब अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। मोस्टली ये वाले सेक्शंस जो है वो नहीं पढ़ाए जाते, इनको कोई कंसिडर मतलब ज्यादा नहीं करते, लेकिन इनको पढ़ना चाहिए। इनके पढ़ने से आपकी जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिगार्डिंग कोर्ट्स एंड इट्स टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में। अब हम अपनी क्लास यहाँ पे अख्तिताम पे लाते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।